पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जाग जाग नारी तू, जाग जाग आग आग नारी तू, आग आग। मैडम मैडम मेरे पति कल से गायब है, वो फोन भी नहीं उठा रहे। एक मिनट, अब यहाँ आइए। बताइए क्या हुआ है? मेरे पति का नाम नितिन गुजर है, वो रियल एस्टेट एजेंट है। वो कल जमीन दिखाने गए थे कस्टमर को और तब से वो वापस आए नहीं सर, उनका फोन ही नहीं लग रहा। एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स, आप बैठिए पहले। पहले कभी ऐसे हुआ है कि वो देरी से आए हो, फोन नहीं किया हो या ऐसा कुछ? उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया सर, आप प्लीज उन्हें ढूंढिए ना सर। हम देखते हैं, फोटो वगैरह लाएंगे उनका, फोन में वगैरह होगा तो भेज दीजिए। नाम क्या है? नितिन गुजर। नितिन गुजर की मोबाइल की लास्ट लोकेशन एग्जैक्ट किनारा चौक की। सर गाड़ी तो नितिन की है, नंबर वही है जो उसकी वाइफ ने दिया है, लेकिन सर इस तरह गाड़ी यहां पर? दुबे ना कुछ सामान बिखरा हुआ शायद नितिन का। गाड़ी का लॉक भी खुला हुआ। राइट सर। सर ये सारा सामान तो नितिन का ही है और पर्स में काफी पैसे भी हैं। दुबे ये देखो, टायर के स्किड मार्क्स। नितिन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। ये गुंडागर्दी किसी और को दिखाना, मैंने पैसे दिए, मेरा काम होना चाहिए। हेलो गाड़ी के अंदर या आसपास और कोई सुराग नहीं मिला। कुमार प्रिया आप दोनों यहीं रहेंगे, हम टीम भेज रहे हैं, सर्च करो, एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करना दोबारा से। आओ दुबे। दुबे एक बात समझ में नहीं आ रही, पर्स में पैसे पड़े हैं यानी कि चोरी का मामला नहीं है, गाड़ी का लॉक खुला हुआ है, स्ट्रगल के मार्क्स हैं और नितिन की गाड़ी के अलावा किसी और टायर के भी स्किड मार्क्स हैं, यानी कि नितिन अपनी मर्जी से नहीं गया, उसको जबरदस्ती ले जाया गया, नितिन की किडनैपिंग हुई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि नितिन एक एस्टेट एजेंट है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? सुबह मुझे नितिन की बीवी और बेटी दोनों ही कुछ अजीब से लग रहे थे। एक काम करो, फैमिली का फोन टैपिंग पर डालो, इसकी वाइफ का बैकग्राउंड चेक करो। वाइफ का? हाँ दुबे, क्योंकि अगर ये किडनैपिंग का केस है, उधर नितिन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो किडनैपर का कोई पर्सनल मोटिव हो सकता है, और ऐसे पर्सनल मोटिव वाले केसेस के पीछे जरूर किसी करीबी मेंबर का हाथ होता है, इसलिए मैंने कहा कि वाइफ को बुला, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऐसे में किडनैपर के पास कोई इंटरेस्ट नहीं होता विक्टिम को ज्यादा देर जिंदा रखने का। आपके यहाँ भी नहीं है? ठीक अहमद भाई, नितिन का कहीं पता नहीं चल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी मत सोच, नितिन वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। पर अगर नहीं आए तो हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे? सी बातें कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा उसे। अच्छा सोच, अच्छा बोल, कुछ नहीं होगा नितिन को। खुदा ना करे अगर कोई अनहोनी हुई भी तो हम है ना। भगवान करे वो सही सलामत हो, अगर वो वापस नहीं आए ना तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी।
समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वापस आ जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हे, हाय, फर्स्ट टाइम? या, नो इश्यूज। ओह गॉड, आपके बाल में बहुत स्प्लिट एंड्स हो गए हैं और नीचे से काफी थिन भी हो गए हैं। आई थिंक यू शुड गो फॉर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। कितने का होगा? सिंस आप हमारी न्यू कस्टमर है तो एज अ वेलकम गिफ्ट मैं आपको 30% तक का डिस्काउंट कर दूंगी। अश्विनी, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो ना। वैसे आपकी एज क्या होगी अगर बताना चाहो तो? आई एम 18। वाओ, वेरी नाइस, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सलून चला रही हो। वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। और सिर्फ ये सलून ही नहीं, वी हैव 49 ब्रांचेस ऑल अक्रॉस इंडिया और सारे बिजनेस यही संभालती है। शी इज अ प्रोडिजी चाइल्ड। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डॉटर। नाउ आई गेट इट, आप लोग वही फ्रेंचाइजी वाली? मैंने आप लोगों का इंटरव्यू देखा था। जी हाँ, हम ही हैं वो मशहूर माँ बेटी की जोड़ी, बाबा क्वींस ऑफ द कंट्री। 4 साल में हमारे 49 आउटलेट्स हैं। वैसे हमारा टारगेट 500 का है एंड वी आल्सो वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल। अच्छा, यू हैंडल दिस बिकॉज मुझे उज्जैन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा लिसन, बोलो। मोबाइल चार्जर ले लिया है ना? और कैब बुक कर लिए? मैंने कैब बुक कर ली है, अब प्लीज मेरा टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखना जानती हूँ। और जब हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें हाथ तक नहीं लगा सकता, और 4 साल पहले भी कोई हमारा कुछ नहीं कर पाया था। अच्छा नुपुर, अरे आ गई तुम? ओ, ये रही आपकी घड़ी और ये आपका वॉलेट। शुक्रिया। गुड लक नहीं दोगी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अपना ख्याल रख। बाय बाय, कॉल करता हूँ। हाँ। कॉफी? मम्मी, पापा मेरा फोन फिर से नहीं उठा रहे। अरे किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाने में बिजी होंगे, उठा लेंगे फोन। वो वैसे भी मेरा फोन कभी नहीं उठाते। मैं आपके फोन से कॉल कर लेती हूँ। क्यों, तेरे फोन से क्यों नहीं उठाते? हेट्स मी, मुझे प्यार ही नहीं करते। मैं उन्हें कभी हक भी करूँ ना तो मुझे बस ऐसे ऊपर ऊपर से हक कर देते हैं वो। अच्छा मैं तुझे हक करती हूँ। मेरा बच्चा, रुक जा, मैं पापा को फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे तुम्हारे पापा? एक काम करती हूँ, अहमद भाई को फोन करती हूँ, वो बताएंगे कि पापा कहाँ हैं। कहाँ? नितिन का कुछ पता चला? ये कौन? जी मैं अहमद, नितिन का बिजनेस पार्टनर। मैंने उस क्लाइंट को कॉल करके पूछा था जिसके पास नितिन को होना चाहिए था। सर वो नितिन आपके साथ है क्या? अरे आया कहाँ वो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, यही पूछने के लिए तो कॉल करने वाला था मैं। मैंने भी नितिन का फोन ट्राई किया था लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं और उसके बाद उसका फोन बंद आने लगा। इनका नंबर ले लो। 476-2531। सर ये सब बाद में भी हो जाएगा ना, अब प्लीज नितिन को जल्दी ढूंढिए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है सर। देखिए ऐसा है, हमें एक कार मिली है किनारा चौक पे, लग रहा है नितिन की किडनैपिंग हुई है। व्हाट किडनैपिंग? लेकिन सर नितिन की किडनैपिंग कोई क्यों करेगा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है सर। सर आप प्लीज नितिन को जल्दी ढूंढिए ना प्लीज सर, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा सर, मेरी बच्ची का क्या होगा सर, प्लीज आप उसे ढूंढिए ना सर प्लीज। वैसे आप करती क्या है? सर मम्मी का अपना पार्लर है, नुपुर यूनिसेक्स पार्लर, यहाँ मेन मार्केट में ही है। सर पापा मिल जाएंगे ना? कोशिश कर रहे हैं।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।